हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स यानी एमएस वर्ड का। ये सेशन है जिसमें मैं बताऊँगा कैसे हम मेलिंग के तहत, ये मेलिंग मेन्यू दिख रहा है, इसमें हम कॉल लेटर कैसे बनाते हैं। यानी दो पेज हम लेंगे, दो पेज से ही हम चाहे जितने लोग का चाहेंगे उतने लोग का कॉल लेटर बना लेंगे। ठीक है, दो पेज से हम चाहे दो दो करोड़ लोग का बना सकते हैं। ठीक है ना, तो बना बहुत ही आसान तरीका है। इससे पहले मैंने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस मेनू कवर किया है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ सीखना है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ देखो, पहले हम बनाएंगे एनवलप। एनवलप कैसे बनाते हैं उसको देख लो। एनवलप हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स दो चीज़ दिखा रहा है कि एक बोल रहा है डिलीवरी एड्रेस और नीचे बोल रहा है रिटर्न एड्रेस। दोनों में हमें देना होगा। हमें देखो, डिलीवरी मतलब क्या होता है, जहाँ पे जाना है, और रिटर्न मतलब जहाँ पर वापस चला है अगर ना जाए तो। ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं, ये वाला फॉर्मेट देखो। ये बॉक्स कौन सा, ये जो बॉक्स है ये बताता है कि इसी साइज़ का बॉक्स बनेगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर क्लिक करो, मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़। इसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन होगा, क्लिक करो। यहाँ आप लिफाफे का जो साइज़ लेना चाहते हो एनवेलप का, वो आप साइज़ ले सकते हो। जैसे साइज क्लिक करो, जैसे मान लो यहाँ पे B4 लिया तो B4 का साइज़ अलग आएगा। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा ना आप वैसा ही सिलेक्ट करोगे। फिलहाल हम लिफाफे के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे A10 का पेज। ठीक है, तो हमने ले लिया साइज़ 10, तो साइज़ 10 का पेज। ठीक है, ओके किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम ले लेते हैं स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, हम उसको बाद में सेट करेंगे, अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। और हम यहाँ पे कॉल लेटर जो बना रहे हैं, देखो आप कॉल लेटर किसी भी एरिया का ले लो, जैसे SSC बैंकिंग वगैरह का, इसमें सिलेक्शन होता है लोगों का, तो कॉल लेटर बहुत से स्टूडेंट पास करते हैं। तो उस केस में आपको कॉल लेटर कैसे बनाना है वो मैं बताऊँगा बहुत ही आसानी से। या किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हो तो कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट लोग का सिलेक्शन होता है ना एंट्रेंस देने पर, तो उनका कॉल लेटर जाता है, तो वो कॉल लेटर अगर बनाना हो तो बहुत ही आसानी से बना पाओगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट लोग पहले से फॉर्म भरे होते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो डेटाबेस जाता है ना, तो डेटाबेस स्टोर होता है ऑलरेडी, और यहाँ पे हमें डेटाबेस का ही काम है। ठीक है, हमें डेटाबेस को केवल इंसर्ट करनी है। यानी कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरता ही है और फॉर्म भर के एंट्रेंस देता है, एग्जाम पास करता है, तो डेटाबेस किसके पास होता है, कंपनी के पास होता ही है या गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो उसी से कॉल लेटर बना देगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड तो नहीं है, हम आपके सामने रिकॉर्ड भी बनाएंगे और कैसे इसका यूज़ होगा वो बता देंगे। चलो यहाँ पर हम करते हैं, और हमने एक चीज़ ले लिया, एक बैंकिंग ले लेते हैं। ठीक है ना, कि IBPS का एग्ज़ाम हुआ है और IBPS में सब सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये SBI का था। ठीक है, हमने रख दिया SBI, यहाँ से ओके करेंगे। इसको हम बाद में चेंज भी करेंगे ना, तो हमें क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है, यस करेंगे। अब ये देख लो यहाँ पर एक फॉर्मेट बन गया एनवेलप का, और ये क्या फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये वाला जो फॉर्मेट दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इन दोनों पेज से ही हम बना लेंगे, चाहे जितने लोग का बनाना होगा हम बना लेंगे कॉल लेटर। तो हमें करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह करनी है ना, तो आप सेटिंग कर लेना, जैसे क्या वो मैं बाद में बता दूंगा पेज लेआउट से। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिख रहा है सेलेक्ट रेसिपिएंट, हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके टाइप न्यू लिस्ट करेंगे, और टाइप न्यू लिस्ट करेंगे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें पूरा पूरा एड्रेस बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीप कोड, कंट्री, होम, वर्क फोन, ईमेल वगैरह। ठीक है ना, तो आपको ये देखो यहाँ पे कंपनी नेम दिख रहा है, तो यहाँ पे कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ चेंज भी करनी है। ये जो टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज कॉलम, क्लिक करेंगे, इसको साइड रखो। ये जो टाइटल लिखा है यहाँ पर रीनेम करो, यहाँ पर कर दो स्टूडेंट का रोल नंबर। समझ में आया, इस तरीके से हम बनाएंगे पूरा पूरा फॉर्मेट। ओके करो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है स्टूडेंट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक और चीज मंगाना हमें ऐड करके, यहाँ क्या मंगाएंगे, हम लेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम लिया, ओके करो। इसके बाद देखो ये एक से जस्ट नीचे आ जाएगा, जहाँ पे क्लिक रहेगा उसके जस्ट नीचे आता है। एक और बनाएंगे हम मदर नेम, ओके करेंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए स्टूडेंट का, DOB, तो हमने ले लिया DOB, ओके दे दिया। इसके बाद देखो कंपनी नेम है, कंपनी नेम की जगह हमें क्या करना होगा, रीनेम करना होगा, यानी उसका पोस्ट नेम। ठीक है ना, यानी डेसिग्नेशन, किस पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है, डेसिग्नेशन, ओके करो। देखो ये चेंज हो गया, समझ में आया।
इसके बाद क्या करना है, देखो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज अगर सेट करनी है तो एक काम करो, यहाँ पे क्लिक करके सेट ऐड में जाओ, रीनेम कर दो, ये लिख दो कैटेगरी, ठीक है ना, जिसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी आ जाएगा। ओके करो, ठीक है, कैटेगरी हो गया। अगर और कुछ चाहिए तो वो भी आप सेट कर लेना, ओके ना, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे इतना पर्याप्त है, वर्क फोन हटा दो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो आप, ठीक है, अपने मन से यहाँ पे सेट कर सकते हो आप, ठीक है। ईमेल एड्रेस वगैरह चाहिए ये, यहाँ पे ओके करो। अब ये फॉर्मेट रेडी हो गया, अब हम कुछ रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, आपके सामने देखते हैं। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ इस तरह था, 000, ठीक है, 00112, ठीक है, यानी जो इसका फॉर्मेट हो गया। इसका नाम हम लिख देते हैं, कुछ लोगों का नाम, जैसे हम लिख दिया आयुष, आयुष कटियार, और सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नेम होता, यहाँ पे क्या करेंगे हम लास्ट नेम लिखेंगे ना इनका, ठीक है, इसमें लिखेंगे कटियार, इसमें फादर नेम की बात हो रही है, हम उनके फादर नेम की फादर नेम दे देंगे हम, ठीक है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल तौर पर दिखा रहा हूँ तो उसको समझ लेना आप, ठीक है ना। हमने इसको इनके फादर का नाम दे दिया, चलो ऐप से फादर दिखा दिया मैंने, और के दे दिया ना, केटी यानी कटियार, और मदर का नाम यानी एमएम दे दिया, एग्जाम्पल तौर पर समझना हमें, तो हमने दे दिया केटी, समझ में, केटी मतलब कटियार, ठीक है ना, इनके पिता। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कर लो 1/5/1994, ठीक है। इसके बाद इसमें डेसिग्नेशन में जाओ, तो इनका सिलेक्शन जो हुआ है किस चीज़ के लिए हुआ है वो चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, समझ में, यानी इनका किस के लिए हुआ है, बैंक मैनेजर के लिए हुआ है, ब्रांच मैनेजर के लिए हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लिख दिया, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे हम लिख दिया बीएम यानी ब्रांच मैनेजर के लिए, ठीक है, इस तरीके से हमें दे देना है। और एड्रेस की बात हो रही है, ये कहाँ से हैं, हमने लिख दिया ये हैं कानपुर, ठीक है। इनका पूरा नाम लिखना हमें वो लिखना होगा, कलिनिका का देव कानपुर। इसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, ये किस कैटेगरी से आते हैं, इन्होंने लिख दिया ओबीसी, ठीक है, और सिटी कौन सा, तो यहाँ पे लिखेंगे कानपुर, स्टेट यूपी, पिन कोड अगर नहीं पता है तो फिलहाल हमें पिन कोड तो देना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने 6 अंक का पिन कोड दे दिया, कंट्री इंडिया। इसके बाद फ़ोन नंबर दे दो उनका, ईमेल एड्रेस, gmail.com, समझ में आया। इस तरीके से अब देखो नेक्स्ट आ गया, इस तरह से कम 2-3 बना लेंगे इस आपके सामने, ठीक है। इसी तरह से हम कई लोगों को बनाएंगे, आयुष को बना लिया, और लोगों को बना लेंगे। देखो हमने क्या किया, उसको उस रिकॉर्ड को बना के हमने सेव कर लिया, ठीक है। कैसे बनाया था, हमने यहाँ टाइप न्यू लिस्ट पे गए थे, 4-5 लोग हमने बना लिया, ठीक है ना, और ओके करके हमने सेव कर दिया इसको। जब सेव हो जाएगा इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर डबल क्लिक करो, हेडर लग जाएगा। हेडर में क्या करोगे आप लिख दो जो भी यानी जो सिलेक्शन बोर्ड है उसको लिख दो, SBI सिलेक्शन बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड मुंबई, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इसको बड़ा कर लो, इसको सेट कर लो, तो इसका फॉन्ट साइज सेट कर लो, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दो, मिडिल आ जाएगा। अब इसको डिलीट कट कर दो, ये हर एक पेज पे रहेगा, ठीक है ना, और इस फॉन्ट को हटा दो यहाँ से, जो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा है इसको हटा दो। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखना, और ये जो मेलिंग बनाया गया था रिकॉर्ड, यहाँ से न्यू लिस्ट पे जा करके हम इसको सेव कर लेते बना करके। अब मैं दिखाता हूँ कि क्या हमने बनाया, एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे, देखो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे, और ये रहा रिकॉर्ड, ये दिख रहा रिकॉर्ड, ये बना के हमने सेव किया है, ठीक है, परेशान मत होना इसके लिए। और ये देखो ये हमने बनाया यहाँ पर आयुष कटियार काका देव, ठीक है, और ये सब पूरा इनका एड्रेस दे दिया गया यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे पास, इंसर्ट मर्ज फील्ड। एक होता है कि एड्रेस ब्लॉक मंगा लो, क्लिक करो,
जब हम देखो ये एड्रेस ब्लॉक दिख रहा है आयुष का, यहाँ पर क्लिक करके देखो, ये प्रियंका का दिख रहा है, ये गुप्ता रंजीत का दिख रहा है और अलका चौबे का, मतलब ये हमने चार लोग का रिकॉर्ड बनाया है और चारों लोग को हम यहाँ पे काम कर दिखाएंगे ये दो ही पेज से। अब देखो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक ले लिया ना, एड्रेस ब्लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे चले जाओ। देखो ये जो एड्रेस ब्लॉक है आप इसको यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, यहाँ से क्लिक करो चारों लोग को दिख जाएगा, चेंज हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम पूरा पूरा फॉर्मेट अपना तैयार करेंगे। अब देखो यहाँ पे लगाना क्या है, डियर मैडम जो सर आपको लगाना होता है आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे होता है ग्रीटिंग लाइन, ग्रीटिंग लाइन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है डियर एंड टू, ठीक है। आप चाहो तो कुछ अलग तरीके से, यानी क्या आप इसका इस्तेमाल कर लो डियर, ठीक है ना, सिलेक्शन हुआ है तो इनको लगा दो डियर, ओके करो। देखो यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन आ गया, अब इसको प्रीव्यू करके देखो कैसा आ रहा है। यहाँ पे आप प्रीव्यू करोगे लिखा है ना डियर आयुष कटियार और देखो डियर प्रियंका, डियर रंजीत गुप्ता, डियर अलका चौबे, समझ में आया। इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे मेटा टाइप करना है, ओके। हम चाहते हैं यहाँ पर उनका नाम हो बाकायदे, ठीक है, हमने लिख दिया मिस्टर। देखो जैसा हम फॉर्मेट बनाएंगे ना वैसा ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मिस्टर होंगे मिस्टर हो जाएंगे तो उसको लगा देना है ना, तो लिखा MS और यहाँ पे उनका नाम होना चाहिए। इंटर करो, इंटर करके नीचे आ जाओ, यहाँ पे उनका एड्रेस मंगा दो। एड्रेस कैसे मंगाओगे, यहाँ पे इंसर्ट फील्ड होगा, आपको जो मंगाना है, तो आपने एड्रेस वन मंगा लिया, ठीक है। और भी कुछ मंगाना है जैसे आपको मंगाना है सिटी, ठीक है ना, अलग अलग जगह से होंगे, सिटी मंगा लो। इसके बाद क्लिक करो, देखो इसका फॉर्मेट ही अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, और सिटी अलग अलग स्टेट मंगा लो, और एक और चीज़ मंगा लो पिन कोड, ठीक है। क्लिक किया, ये रहा पिन कोड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसको प्रीव्यू करो तो ये पूरा चेंज होता जाएगा, देखो ध्यान से, ये पूरा 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 फॉर्मेट चेंज होगा, है ना। तो इस तरीके से हम पूरा पूरा काम करेंगे। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मिस्टर मिसेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ओके स्पेस करो, और यहाँ पे क्लिक करके लास्ट नेम मंगा दो। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या करना है, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, पोस्ट का नाम, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, एक तरीके से लिखो, यहाँ पे लिख दो योर पोस्ट नेम इज, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लगा दो डेसिग्नेशन, क्लिक किया, देखो आ गया ना बहुत अच्छे से। और यहाँ पे इसको लगाने के बाद क्या करो, देखो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, योर पोस्ट नेम इज एंड योर रोल नंबर, क्या यहाँ लिख सकते हो डियर स्टूडेंट योर नंबर, इसे लिख दो योर रोल नंबर इज, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्लिक करके आप रोल नंबर लगा दो, लग गया। अब क्या करो, इसको हटा दो यहाँ से, समझ में आया। अब ये बन चुका है, अब नीचे आ जाओ, डेसिग्नेशन हो गया। इसको बनाने के बाद क्या करना है, हमें कुछ और प्रोसेस करनी है, ठीक है। आपका कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे लगा दो इनका कैटेगरी, क्योंकि हमें जो हमने बनाया अंदर रिकॉर्ड उस चीज़ को हमें यहाँ शो कराना है ना। एंड योर कैटेगरी, यहाँ पे स्पेस करो, स्पेस करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी लगा दो, लगा दिया, ठीक है। और भी जो रिक्वायरमेंट होगा वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको डेट वगैरह सेट करना है तो डेट सेट कर लो, ठीक है। और यानी तो योर कॉल लेटर हैज बीन सेंड ऑन योर मोबाइल, सॉरी यहाँ पे लिख दो योर ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे क्या करो, देखो ईमेल मंगा दो, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से ईमेल मंगा दिया हमने, आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या करो, ये देखो पूरा पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इस फॉर्मेट को क्या करो, थोड़ा ढंग का बनाना है, जहाँ जहाँ आपने ब्लॉक लगाया है हाईलाइट कर दो, क्लिक करो, देखो ये हाईलाइट हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट करोगे तो देखो सबका चेंज हो जाएगा। इस तरह से देखो
ये पूरा पूरा चेंज होगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम चेंज होगा, देखो यहाँ बाकायदा चेंज हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा जब आप एटीएम वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो घर पे एक नोटिस आता है ना, एक मैसेज आता है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा ये सब वगैरह चेंज होता है। तो जब बल्क में काम करना होता है ना तो हम इस तरीके से बनाते हैं, यानी कई लोग को एक ही मैटर को भेजना है तो हम क्या करेंगे, एक साथ बना लेंगे ना। जैसे अगर ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो तो आपका कह दिया गया कि जितने भी स्टाफ हैं सबके लिए एक लेटर निकालिए, ठीक है, तो क्या आप सबके लिए टाइप करोगे? नहीं ना। और आप चाहते हो कि सब पे ऐसा ही नाम वगैरह हो, ठीक है ना, बाकायदा उसका डेसिग्नेशन हो, सबका अलग अलग नाम हो, हर पेज अलग अलग होगा, तो ये एड्रेस को, यानी आपके पास डेटाबेस होगा, डेटाबेस को आपको यहाँ पे ला करके मैच करना है बस, ठीक है। जैसे आप डेटाबेस मंगा दोगे यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड, आपको जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से उसको सेट कर लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ फॉर्मेट वगैरह करना है ना, तो फॉर्मेट कर लो, यहाँ पे पेज लेआउट पे जाओ, यहाँ लिखा है पेज बॉर्डर, क्लिक किया देखो यहाँ पे 3D बॉर्डर लगा दो, ओके करो, देखो बॉर्डर लग गया हमारा, समझ में आया। इस तरीके से हम यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ और चीज़ चाहिए तो आप इसको सेट कर लो। अब इसको क्या करना है, अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो काम है वो कुछ ऐसा ही है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, मेलिंग में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है फिनिश एंड मर्ज, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट। एक और चीज़ समझो यहाँ पे थोड़ा सा, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे चार लोग का हमारे पास एड्रेस है, आपके पास जितना एड्रेस होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाओ, यहाँ पे लिखा है कितने लोग को प्रिंट करना है, आप चाहते हो एक से लेकर चार तक जितने लोग हैं, ओके करो। और आप यहाँ पे देख लो दो ही पेज है, दो ही पेज से हम काम कर लेंगे, प्रिंटर जो रहेगा आप प्रिंटर सेलेक्ट कर क्लिक करके इसको प्रिंट कर दीजिएगा। अगर मान लो मुझे एक्सपीएस में निकालना है, एक पीडीएफ बनाना है, तो हम इसको पीडीएफ बना लेते हैं, ओके किया। आप सेव करने के लिए पूछ रहे हैं तो हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, एक नाम देते हैं हम फाइनल, लिखे हमने फाइनल लेटर, फाइनल कॉल लेटर। इसको हमने क्या किया, हम गए अपने लोकेशन पर जाके इसको हम सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अब उसको आप देखना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल देखो, आपने अपना लोकेशन ओपन किया, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो हमारे पास बन चुका है लेटर, इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे हम, ये पीडीएफ में ओपन हो जाएगा क्योंकि पीडीएफ में बना है तो पीडीएफ में बन जाएगा। अब देखो ये कितने पेज में दिख रहा है आपको, 8 पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझना है आपको, ये देखो आपके पास ये बना हुआ है, इसको हम ओपन देख लो ध्यान से, ये किसके लिए, पहला आयुष के लिए, आयुष का मैटर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ किसका बना है, प्रियंका का एनवेलप, प्रियंका का मैटर, ये किसका है, रंजीत का, रंजीत गुप्ता का, और इनका रंजीत का मैटर, ठीक है ना, रंजीत भाई का, और अलका का कॉल लेटर, और अलका का मैटर, समझ में आया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपको जो मैटर यहाँ पे लिखना है ना, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है, बस फॉर्मेट क्या है, यही काम करने का है ना, यानी आपको कई पेज नहीं लेना है, केवल दो ही पेज लेकर के सारा काम कर लेना है बहुत ही आसानी से, ठीक है। क्या आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर वीडियो समझ में आया हो सेशन तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं रिव्यू मेन्यू को कवर करूँगा, ठीक है। Thanks for watching.